हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन लेट्स क्रैक नीट यूजी दिस इज शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है लास्ट uh, क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी uh, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर तक तो पढ़ लिया था सेक्स इंफ्लुंस्ड कैरेक्टर नहीं डिस्कस हुआ था तो वो सारी चीजें आज हम करेंगे

तो तो तरीके से से कर सकते हैं मतलब इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर केवल सब्सक्रिप्शन फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी तीनों का स्टॉप इंडिया के के में में जिस जिस सब्जेक्ट साथ फ्रीक्वेंसी मैच आप से

तो आपको ये तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है उसके बाद सब्स्क्रिप्शन ऑप्शन हमको है करना वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछना यूजी कैटेगरी को बोलिएगा आपसे प्लस टाइप आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी को आप ऑप्ट आप करेंगे आपको एकेडमी के ब्रांडेड हार्ड कॉपी मिल जाती है आपको कुछ आपको लाइव मेंटरिंग सेशंस वहां मिलते हैं ठीक है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे उसके बाद 1, 3, 6, 12, 24 month के ऑप्शन है है ये subscription option है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट के पहले से एक ब्लैंक स्पेस आएगा जहाँ पे आपको अपनी मैम का नाम लिखना होता है, वहां पर होता है। तो आपको अपनी मैम का नाम लगाना है यही मेरा कोड है शिवानी शेड्यूल कोड अप्लाई करके जैसे ही आप पेमेंट करते हैं एक तो आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है इससे एक तो आपको आपकी फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर और

ठीक है मैं आपको थ्रू आउट द सेशन थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू तो कुल मिला के एग्जाम्पल याद नहीं होता हर एक बच्चे को पर्सनलाइज मेंटरशिप के द्वारा उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड किया जाता है आप चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले चाहे आइकॉनिक कोड के साथ आ रहे हैं तो आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे ठीक है बस

ठीक ठीक जस्ट के साथ थीकिए। थीकिए है। भी कर सकते सकते हैं हैं ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल है है उससे भी क्या लोन जी बिल्कुल आ ऑप्शन लेने के के अगर मेंटरशिप में आने के लिए आपको शिवानी कोड अप्लाई करना है वही एक फीचर है आइकॉनिक के चार्जेस दे रखिये ये एक साल का सिक्सटी फाइव थाउजेंड का है दो साल का वन लाख का है चाहे आप प्लस ले चाहे आप आइकॉनिक ले रेफरल कोड शिवानी के साथ आप क्लास अनलॉक कर लेंगे बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं ठीक है दो हजार तेवीस के लिए ड्रॉपर्स बैच भी शुरू हो रहा है आठ सितंबर से शुरू हो रहे हैं ठीक है ठीक है हर संडे ये कॉम्बैट होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट शिवानी कोड के साथ आपको अनलॉक करना होता है चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास कर चुके कैरेक्टर हमें पढ़ना है यहीं से शुरुआत करनी थी सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके

एक सेकेंड मेरे को तो क्लियर सुनाई दे रही है वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है लेट मी नो गला तो खराब है मैम का वो तो ठीक है लो पिच है अब सही है ना क्लियर okay. है ठीक है चलो पढ़ाने से पहले देखती हूं चैट एक बार मैं डोंट वरी नाउ वाइस इज क्लियर माँ आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन माइक अच्छा नहीं है माइक भी अच्छा है यार अभी ठीक है ना या चलिए जी चलिए जी तो इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा ये भी इसके भी जो जीन ऑफ दिस कैरेक्टर आर आल्सो प्रेजेंट ऑन ऑटोसेम लेकिन ये मेल और फीमेल में डिफरेंटली देखो बट दे आर इंफ्लुएंसड डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल ही क्या है जब येगस कंडीशन के अंदर होते हैं तो यह मेल और फीमेल में डिफरेंटली एक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल गंजापन जीन ऑफ बाल्डनेस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स इंफ्लुएंस कैरेक्टर देखो बाल्डनेस की मैं बात करू कैपिटल बी इज डॉमिनेंट इट इज फॉर द बाल्डनेस ठीक है और स्मॉल बी ये इसका रिसेसिव है बाल्डनेस नहीं होती ठीक है अब अगर मैं दोनों कैपिटल बी कैपिटल बी लिख रही हूं तो चाहे मैं मेल इंडिविजुअल की बात करूं चाहे मैं फीमेल इंडिविजुअल की बात करूं ये मेल और फीमेल दोनों ही बाल्ड होने वाले हैं ठीक है ये दोनों ही बाल्ड होने वाले हैं बाल्ड होंगे गंजे ही होंगे इस कंडीशन में मैं अगर रिसेसिव फॉर्म पे आ जाऊं दोनों स्मॉल बी तो ना तो मेल बाल्ड होगा इस कंडीशन में ना फीमेल बाल्ड होगी इस कंडीशन में नो no बाल्डनेस दोनों ही गंजे नहीं होंगे लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का एग्जांपल है एज आई टोल्ड यू तो जब ये येट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों बाल्ड होने चाहिए डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो कर नहीं पाएगा लेकिन ये दोनों सेक्सेस में डिफरेंटली एक्ट करता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर हिट्रोजाइगस कंडीशन में इस कंडीशन में मेल तो बाल्ड होंगे लेकिन फीमेल आपकी बाल्ड नहीं होंगी दिस इज द सेक्स सेक्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कैरेक्टर कैरेक्टर की पॉइंट ये है जब दिट्रोस कंडीशन में दोनों सेक्सेस के अंदर मेल और फीमेल के अंदर ये डिफरेंटली एक्ट करता है एज यू कैन क्लियरली सी कैपिटल बी स्मॉल जब येगस कंडीशन में आए तो मेल तो बाल्ड है लेकिन फीमेल बाल्ड नहीं है

नहीं होगी दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स इंफ्लुएंस्ड कैरेक्टर केवल एकमात्र एग्जाम्पल इसका आपको याद रखना है जो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा इज इट क्लियर क्या हम इसे लिख लें चलो लिखो हेडिंग डाल लो बेटा सब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द सेक्स इन्फ्लुएंस जीन ऑफ दिस कैरेक्टर जीन ऑफ These characters are also present on autosome. Gene of this character are also present on autosome, but they influenced differently in both the sexes. हीट्रोजाइगस कंडीशन में इन हीट्रोजाइगस कंडीशन लिख लो इनके इफेक्ट दोनों सेक्सेस में अलग होंगे इन हीट्रोजाइगस कंडीशन इन हीट्रोजाइगस कंडीशन इनका जो इफेक्ट होगा देयर इफेक्ट हीट्रोजाइगस कंडीशन में देअर इफेक्ट इज डिफरेंट

इसका मतलब होता है बाल्डनेस प्रेजेंट है फॉर बाल्डनेस स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म है देखो कैसे ये इन्फ्लुएंस करेंगे मेल इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रहा है फीमेल इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा कंडीशन है दोनों कैपिटल बी कैपिटल भी डोमिनेंट बार्डनेस प्रेजेंट होता है तो चाहे मैं मेल की बात करूं चाहे मैं फीमेल की बात करूं दोनों में ही बार्डनेस प्रेजेंट होगा ठीक है अब मैं इसका रिसेसिव तो फॉर्म पे आती हूँ दोनों स्मॉल भी अब चाहे मैं मेल की बात करूं चाहे मैं फीमेल की बात करूं बार्डनेस दोनों में ही एबसेंट होगा बाल्टेंट होगा इसमें भी बार्डनेस एबसेंट होगा अब एक आता है हीट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी हीट्रोजाइगस कंडीशन में एज आई टोल्ड यू सेक्स इंफ्लुएंस कैरेक्टर डिफरेंटली एक्ट करता है मेल के अंदर तो बाल्डनेस प्रेजेंट होगा और फीमेल के अंदर बाल्डनेस एबेंट होगा इस तरीके से मेल के अंदर प्रेजेंट है

अभी जल्दी से बोलो हाँ या ना इफ यस देन प्लीज इट द लाइक बटन मुझे लाइक में चेंजेस नजर आ जाने चाहिए क्लियर है अब हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड्स हैं आपके सेक्स डिटरमिनेशन के जैसे कि एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन है हैप्लो डिप्लॉयडी है जेनिक बैलेंस थ्योरी है सबका डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग तो डाल लो मेरे साथ साथ

मैथड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी है दे आर डिफरेंट मैथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम जैसे कि एक तो आपका एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है एलो सेक्स डिटरमिनेशन है एक तरीका है। डिटेल पढ़ेंगे इन सब का हम जेनिक बैलेंस थ्योरी हम पढ़ते हैं ये भी डिटेल पढ़ेंगे बेटा इनका आप एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे भी काफी सारे तरीके हैं एनवायरमेंटल तो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बेस पर आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन टाइप है प्रोगिक सिंग एंड एपिगैमिक क्या होता है डिटेल डिस्कस करेंगे पहले हेडिंग डाल लो सेक्स डिटर्मिनेशन किस बेसिस पर किया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर हम बात करें बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन तीन टाइप है एक है प्रोग्रामिक एक है सिन्ग्यामिक ठीक है, प्रोगैमिक, सिंगैमिक एंड एपिगैमिक सिंगैमिक एंड एपिगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर ये आपके तीन टाइप है डिटर्मिनेशन के फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन टाइप है प्रोगैमिक सिंगैमिक एंड एपीगैमिक प्रो नाम से पता लग रहा होगा इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है एपीगैमिक में सिंगैमिक के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है और एपीगैमिक के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन ड्रोन इन हनी बी फर्टिलाइजेशन के पहले ही पता लग जाता है उसके अंदर सेक्स हो जाता है अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होता है और फीमेल जो होती है हनी बी के अंदर उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर ये तीन टाइप है तो प्रो मतलब पहले हो रहा है तो सेक्स इज डिटरमाइंड फर्टिलाइजेशन ही था बेसिस तो सेक्स इज डिटरमाइंड प्रो यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसमें सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए किसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ड्रोन इन हनी बी सिंगिक का मतलब है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ही होगा इसमें सेक्स इज डिटरमाइंड सेक्स डिटरमिनेशन जो है सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जैसे कि ये आपको देखने को मिलता है सेक्स डिटरमिनेशन का एग्जाम्पल है आपका मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ऐसा ही होगा एनिमल्स के अंदर सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फिर एक है आपका एपिगैमिक एपिगामिक के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेक्स इज डिटरमाइंड एपीगेमिक में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स इज डिटर एग्जाम्पल दिखिए को मिलता है फीमेल्स के अंदर हनी बी में फीमेल इन हनी इसमें सेक्स डिटरमिनेशन फीमेल इन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है ये हमने यहां पर देख लिया अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां तक क्लियर है बेटा इज इट क्लियर अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हम पढ़ रहे हैं ठीक है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे उसके अंदर एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपको पता है कि अपने क्रोमोसोम्स के दो टाइप हैं एक है ऑटोसोम और द दोमेटिक क्रोमोजोम जो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं और दूसरा है एनोसोम या फिर heterosome, और सेक्स क्रोमोजोम जिसे हम कहते हैं दीज डिटरमिनेशन ठीक है तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एज आई टोल्ड यू क्रोमोसोम के दो टाइप हैं क्रोमोसोम जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स एक तो है आपका ऑटोसोम ठीक है एक तो है आपका ऑटोसोम और दोमैटिक क्रोमोसोम जीन ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर्स ये आपके इस पर प्रेजेंट होते हैं है। बीच बीच में देख रही हूं हाँ ये सही आ रहा है ठीक है ये ऑटोसोम और सोमैटिक क्रोमोजोम ये करता है दिस रेगुलेट द सोमैटिक कैरेक्टर दीज रेगलेटिक कैरेक्टर ठीक है ये तो है ऑटोसोम दूसरा हम बात करें बेटा तो यहां पर है क्रोमोजोम दो टाइप के है ना एक तो ऑटोसोम हो गया एक है एलोसोम या फिर इसे हीट्रोसोम या फिर इसे हम सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं ठीक है दूसरा टाइप का जो क्रोमोजोम है यह है एलोसोम या फिर कह दीजिए हीट्रोसोम या फिर कह दीजिए सेक्स क्रोमोजोम यह जो क्रोमोजोम है दे आर एसोसिएटेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है तो ये जो क्रोमोसोम है ये आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है एलोसोम की बात करें दीज क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद These are with sex सबसे पहले क्लंग ने ग्रास के अंदर डिस्कवर किया था ठीक है लिख लो इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन साइंटिस्ट के नाम सेक्स क्रोमोजोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एमसी क्लंग ग्रास होपर ठीक है एमसी क्लंग ने ग्रास हॉपर के अंदर डिस्कस किया था अब मैं यहां पर डिस्कस करूंगी विल्सन एंड स्टीवंस

एंड स्टीवंस दे प्रपोजोमल एंड स्टीवंस प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सैक्स डिटरमीनेशन ठीक है इसमें बेटा सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ रहे हैं ना यह है एक्सएक्स एक्सवाई टाइप या फिर इसे लाइजूस टाइप भी कहते हैं सबसे पहला जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक्स 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 वाई टाइप और इसको ये नाम लाइजूस क्यों दिया गया है आपको पता है क्योंकि इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले इस नाम का एक इंसेक्ट था लाइजूस नामक एक इंसेक्ट था उसके अंदर देखा गया इसीलिए ठीक है अब इसके दो टाइप है दोनों टाइप कौन से मैं डिस्कस करती हूँ ठीक है सबसे पहले इस तरीके के इसको एंड स्टीवन ने सबसे पहले लाइजूस नामक इंसेक्ट के अंदर देखा था ठीक है दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नाम क्यों पढ़ाई ये भी लिख लो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय विल्सन And Stevens in स्टीवंस इन लाइजूस है और इसके ना दो टाइप है बेटा लाइजूस के दो टाइप है कौन कौन से हैं देखो सबसे पहला जो टाइप है ना इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है ये होगी एक्सेक्स फीमेल ठीक है सबसे पहला जो टाइप है इसके अंदर इट इज एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल दिस इज द फर्स्ट टाइप पता लग रहा है इसमें फीमेल जो है इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल होमोगैमेटिक है एक ही टाइप का गैमेट प्रोडक्शन करेगी दैट इज द एक्स और मेल हीट्रोगैमेटिक है दो टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन करेगा दैट इज द एक्स एंड वाई ये होता है एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल के अंदर इस तरीके के फीमेल होमोगैमेटिक है यानी कि एक ही टाइप का गैमेट का प्रोडक्शन करेगी और मेल है यानी कि ये दो टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे मेल के अंदर जो एक्स प्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट है उसे हम कहते हैं गाइनोस्पम और जो वाई प्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट है उसे आप कहोगे एंड्रोस्पर्म ठीक है लिखो। इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पहला जो टाइप है इसका इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एज यू कैन क्लियरली सी एक्स सेक्स फीमेल यानी कि फीमेल तो होमोगेमेटिक इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो आपकी फीमेल है फीमेल तो होमोगैमेटिक होगी दैट इज इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट कुछ इस तरीके से ये ऐसे फीमेल होती है इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट जबकि इसके अंदर जो मेल होगा वो कैसा होगा बेटा आपका मेल होगा हीट्रोगे मेल इज एक्स वाई है ना तो है मेल हीट्रोगेटिक है यानी कि दो डिफ इज इट प्रोड्यूस two different type of gametes. ठीक है, है, दो टाइप के का प्रोडक्शन करेगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट कुछ इस तरीके से होगा एक्स वाई है ना मेल एक तो ए प्लस एक्स ये होता है ठीक है ये है पहला टाइप ये किसके अंदर अच्छा इसमें जो मेल इन मेल एक्स कंटेनिंग, जो एक्स क्रोमोजोम पर जो गैमेट होगा उसको हम कहेंगे गाइनोस्फम इन मेल लिख लो ये पॉइंट इन मेल मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम है तो जो एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट है इन मेल एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट जो है उसको आप कहेंगे गाइनोस्पर्म एंड वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट जो है एंड Y कंटेनिंग गैमिट जो है उसको आप कहोगे एंड्रोस्फॉर्म तो ये दो टर्म और याद रखें ठीक है एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमेट इज कॉल्ड द गाइनोस्फॉर्म

या फिर कह दीजिए Z Z मेल एंड जेड W फीमेल दूसरा टाइप है इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया क्या नहीं इसका एग्जाम्पल भी लिख लो मैन एंड डायोशियस प्लांट लाइक कॉक्सीनिया मेलेंड्रियम उसके अंदर इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा मैन के अंदर यही टाइप है एक्स एक्स फीमेल होता है और मेल होता है एंड डायोशियस प्लांट बाहर बारिश हो रही है आवाज आ रही है मुझे कोटा में बारिश हो रही है मैन एंड डायोशियस प्लांट लाइक कॉक्सिनिया मैलेंड्रियम इसमें इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है ठीक मैन एंड डायोशियस प्लांट लाइक कॉक्सिनिया मैलेंड्रियम उसके अंदर इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है आगे सुनो दूसरा जो टाइप है इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके अब उसमें एक्स सेक्स तो मेल है और एक्स वाई फीमेल है यानी कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल तो होगा होमोगैमेटिक एक ही टाइप के गैमेट प्रोडक्शन करेगा और फीमेल होगी हीट्रोगाम इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट मेल इंडिविजुअल आपका क्या बोलते हैं है फीमेल इंडिविजुअल किस -किस प्रेजेंट होता है इट इज फाउंड इन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई मोत वल्टीब्रेड लाइक बर्ड्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिख लो इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एज यू कैन सी मेल तो है होमोगैमेटिक मेल जो है मेल इज होमो गैमेटिक होमोगेमेटिक का मतलब एक ही टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन करेगा दैट इज इट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट बहुत तेज बारिश हो रही है गोटा में ठीक है ये सिर्फ एक टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन करेगा एंड इसके अंदर फीमेल जो है ये होगी फीमेल का मतलब है दैट इज इट प्रोड्यूस बहुत तेज मस्त मौसम हो रहा है बार बहुत तेज बारिश हो रही है बहुत तेज बारिश हो रही है सेंटर कहाँ है नीट का यहाँ डिस्कशन चल रहा है ठीक है फीमेल इज हिट्रो दैट इज इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कि बटरफ्लाइज के अंदर मौत ल्टीब्रेट लाइक बर्ड्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है और प्लांट किंगडम के अंदर फ्रजेरिया इलेटियर के अंदर इस तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन प्रेजेंट होता है लिख लो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फाउंड इन कई बार क्वेश्चन आ रखा है बेटा एग्जांपल्स इट इज फाउंड इन सम इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई मौ एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि बर्ड्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर एंड वर्ल्टीब्रेड मल्टीब्रेड्स लाइक बर्ड्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर ठीक है और प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट किंगडम में फ्रेजेरिया इलाइटेड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट किंगडम में इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन कहां पाया जाएगा दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज फाउंड इन प्रजेरिया इलेटियर के तो इसके अंदर इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है यहां तक क्लियर हुआ बच्चों इजी सा कॉन्सेप्ट है ठीक है तो प्लांट किंगडम के अंदर फ्रेजेरिया इलेटियर और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर बटरफ्लाई मॉथ एंड वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट है इज इट क्लियर इफ यस देन प्लीज हिट द लाइक बटन सो वी कैन फर्दर प्रोसीड नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल इसे प्रोटीन टाइप भी कहते हैं एक्स नॉट मेल में बोल रही हूँ तो यानी कि इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन में डेफिशिएंसी ऑफ वन क्रोमोजोम इन मेल फीमेल होमोगेमेटिक है मेल हीट्रोगेमेटिक है इसके अंदर देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे हैं यह है एक्स सेक्स फीमेल कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है एंड एक्स नॉट मेल या फिर इसे प्रोटेन और टाइप भी कहा जाता है क्या होता है हमने देखा इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यहां पर एक क्रोमोजोम की कमी है मेल के अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देर इज डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशेंसी ऑफ वन क्रोमोजोम इन मेल ठीक है इसमें जो फीमेल होंगी फीमेल तो होमोगैमेटिक ही होंगी दैट इज इट प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट कुछ इस तरीके से होगा और जो मेल कैंडिडेट होंगे इसके अंदर वो हीट्रोगैमेटिक होंगे टू टाइप ऑफ गैमेट और मेल के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी भी होती है तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास कॉकरोच, एस्कैरिस और प्लांट किंगडम में डिस्कोसेरा साइनोटा एंड वेलिसनेरिया पैरालिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एग्जांपल्स बेहद इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जांपल है इसका ग्रास हॉपर के अंदर कॉकरोच के अंदर स्क्वैश बग एनासा के अंदर ग्रास कॉकरोच स्क्वैश बग एनासा एस्कैरिस And in plant kingdom, बहुत ही गंदी राइटिंग दिख रही डिग्री ना आज में डिस्पोसेरा साइन एंड वेलिसनेरिया spiralis एंड वेलिसनेरिया spiralis. इसके अंदर आपका इस तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन प्रेजेंट होता है यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ठीक है डिस्कोसेरा साइन्यूटा एंड वेलिसनेरिया स्पाइरल्स एक्स एक्स एंड एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स, सेक्स डिटरमिनेशन प्रोटीन और टाइप बी से हम कह रहे हैं क्या चीज देखी इसमें हमने बात किया कि इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल के पास एक क्रोमोजोम की कमी होती है इसमें फीमेल तो होमोगैमेटिक है लेकिन मेल जो है इसमें ये हीट्रोगेमेटिक होते हैं ग्रास हॉपर स्क्वेशबग एनासा कॉकरोच और प्लांट्स जैसे कि डिस्कोसेरा साइन्यूटा एंड वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स नॉट टाइप आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन हुआ प्रेजेंट इन द क्लास यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आगे बढ़े नेक्स्ट हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है क्या मैं चैट बॉक्स में आ रही हूँ उसके बाद एक सेकेंड में हेडिंग डाल देती हूँ बस यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो डिस्कस अबाउट द हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी इसी तरीके से होता है बी के अंदर सेक्स इंटरमिनेशन का तरीका हां जी नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यहां तक क्लियर है बच्चों तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी यस yes? good okay just give me a second for the water break then we are going to proceed with this इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बेटा ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं जैसे कि आंट, चीटियों के अंदर हनी बी के अंदर वास्प के अंदर ये applied, ही प्रेजेंट होता है क्या होता है डिस्कस करूंगी ये प्रेजेंट होता है इस तरीके का मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर हैमनोप्टेरा Which include इसमें आ गए आपके आंट हनी बी एंड इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बाय द सेट ऑफ क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस बाय लिख लो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस बाय सेक्स ऑफ क्रोमोजोम अगर मान लो हैप्लॉयड है यानी कि सिर्फ एक सेट है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल और अगर ये डिप्लॉयड है यानी कि अगर दो सेट्स प्रेजेंट है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल इंडिविजुअल ठीक आगे बढ़ते जैसे कि ड्रोन जो है ना मेल इंडिविजुअल इन हनी बीच मेल जो होते है ना हनी बी के अंदर ड्रोन या अनफर्टिलाइज एग से ही डेवलप होते हैं मेल इंडिविजुअल जो है इन हनी बी जो मेल होते हैं यानी कि ड्रोन कह रहे हैं उन्हें हम ये हमेशा अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होंगे अनफर्टिलाइज एग एप्लॉइड होते हैं ये और जो क्यून और वर्कर भी होंगी फीमेल्स होती हैं ये है ना क्यून एंड वर्कर भी ये डेवलप होंगी फर्टिलाइज्ड एग से डिप्लॉयड होती है अब ये जो फीमेल है ना बेटा तो डिप्लॉइड है क्यून और वर्कर भी दो कैटेगरी है अब इसमें से क्यून कौन होगा और वर्कर भी कौन होगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है ये देखो देखो फीमेल है यानी कि फर्टिलाइज्ड एग है फर्टिलाइज्ड एग यानी कि डिप्लॉइड लार्वा है अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज पर फीड कर रहा है अगर ये रॉयल जैली को खाएगा अगर ये रॉयल जैली को फीड करेगा फीड ऑन रॉयल जैली या फिर ये फीड करेगा बी ब्रेड अगर रॉयल जेली को खाएगा तो क्यून बनेगी और अगर ब्री ब्रेड को खाएगा तो वर्कर बी बनेगी ठीक है ये जो सिर्फ क्यून होती है ना यही फर्टाइल होती है वर्कर बी स्टराइल है ये कॉन्सेप्ट है दिस इज द

अगर ये डिप्लॉयड है दो सेट्स है तो फीमेल बनेगी वन सेट है तो मेल बनेगा इसमें भी अब एक है कि मेल तो है ठीक है अब फीमेल में भी इसमें एक वर्कर भी है एक क्यून है तो ये कैसे डिपेंड करता है कि अगर वो जो फर्टिलाइज एग जो डिप्लॉइड लार्वा है अगर वो रॉयल जेली पे फीड करेगा तो क्यून यानी कि फर्टाइल फीमेल बनेगी और अगर वो बी ब्रेड को फीड करेगा तो वो वर्कर बी स्टराइल फीमेल

जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये सीबी ब्रिज साहब की दी हुई है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि सीवी ब्रिज साहब ने दिया था लेकिन ये क्या कहता है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है थोड़ा सा सेक्शन बचा है जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरशन पढ़ाऊंगी मैं आपको मैं आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पढ़ाऊंगी साइटोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे या सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा फिर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे थोड़ा सा कुन, कुन सब बचाए और एनसीआर में वो कुछ क्रोमोसोमल क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम वगैरह दे रखे हैं ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही डिस्कशन होगा

वो बस आपसे कोड पूछता है एंट्री के लिए शिवानी कोड के साथ क्लास में एंटर करना है uh, सब कैसे कब कहाँ मिलेगा टेस्ट ये क्लास में अनाउंस कर दूंगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर भी लिंक आ जाएगा ठीक है तो इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माय टुडे सेशन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो ठीक है आप अनअकैडमी के पेड प्लेटफार्म से जुड़ सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड शिवानी शिवानी कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन ही ले लेते हैं तो आपको एक तो दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जो ऑफर उस समय चल रहा होगा वो भी मिल जाएगा प्लस अगर आप सुपर एटीज का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं मेरी मेंटोरशिप के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप शिवानी कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे सिर्फ शिवानी कोड से सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आप मेरी मेंटरशिप के अंदर आ सकते हैं ठीक है तो शिवानी कोड आइकॉनिक चाहे प्लस कुछ भी लो ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस कल वापस से इसी समय मुलाकात होगी 2022 और 23 के लिए जो 21 वाला बच्चा है सुबह साढ़े सात बजे अन अकेडमी ऐप पर स्पेशल क्लास में मिलेंगे फिर नौ बजे हम यहाँ पर लेट्स यूजी पर 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू बाय बाय एवरीवन